यहां की भर्ती परीक्षाओं में जो खेल टीएमसी सरकार ने खेले हैं वो सारे खेल बंद किए जाएंगे। जो युवा जो शिक्षक परीक्षा देने के बाद वर्षों से इंतजार कर रहे हैं उनकी मुश्किलें भी दूर की जाएगी। राज्य सरकार में जो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर है सभी की स्किल और ज्यादा बढ़े, वो और अच्छी तरह से बंगाल के विकास में योगदान कर सके, इस पर भी बहुत जोर दिया जाएगा। राज्य सरकार के जो बाकी कर्मचारी हैं उन्हें भी ममता सरकार द्वारा अनेक सुविधाओं और मानदेयों से वंचित रखा गया है। भाजपा सरकार में ये सारी भी संगतियां दूर की जाएगी। साथियों, भाजपा की केंद्र सरकार की नीति है डीबीटी। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुनीति है टीएमसी यानी ट्रांसफर माय कमीशन। हम डीबीटी वाले हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, वो टीएमसी ट्रांसफर माय कमीशन में ही डूबे हुए। यहां आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू हुई? क्योंकि ट्रांसफर माय कमीशन नहीं हो पाया। यहां किसानों के बैंक खातों में हजारों रुपए जाने से क्यों रोक दिया गया? क्योंकि ट्रांसफर माय कमीशन नहीं हो पाया। अब आप ही बताइए साथियों, पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? पश्चिम बंगाल का विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? पश्चिम बंगाल के नौजवानों का भविष्य चाहिए कि नहीं चाहिए? पश्चिम बंगाल के आदिवासियों का हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पर आपका यही जोश हर सिंडिकेट हर टोला बाज का होश उड़ा रहा है। और इसलिए दीदी को आपके जनधन बैंक खातों से डर लगता है। बंगाल में खुले करोड़ों जनधन खाते, आपका हक आपको ही मिले इसकी गारंटी है। दीदी 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 चांद चोरी खेला चलते थाको, आमरा चाहिए खेला शेष हो। और इसलिए आज पुरुलिया के लोगों का, जगल महल का, बंगाल का दीदी को संदेश साफ है, चूरी खेला छोलबे ना छोलबे ना। मेरे साथ बोलिए, चूरी खेला छोलबे ना छोलबे ना, चूरी खेला चूरी खेला चूरी खेला। अरे दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, चूरी खेला चूरी खेला। साथियों, आपकी एक गर्जना बताती है कि दीदी सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब बंगाल के भ्रष्टाचार से, कुशासन से मुक्त होने का समय आ गया है। क्या हालत बना दी है दीदी ने बंगाल की? क्राइम है, क्रिमिनल है, लेकिन जेल में नहीं है। माफिया है, घुसपैठिए हैं, लेकिन खुलेआम घूम रहे हैं। सिंडिकेट है, स्कैम है, लेकिन कार्यवाही नहीं होती है।
साथियों, आज मुझे वो परिवार आशीर्वाद देने आए हैं जिन्होंने दीदी के अत्याचारों को सहा है, किसी ने अपने को खोया है, परिवार के लोग शहीद हो गए हैं। ये पुरुलिया के वो परिवार है जिन्हें दीदी के विरोध की सजा दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। इनके परिवार के नौजवानों को फांसी पर लटका दिया गया, गोलियां मार करके निर्ममता से हत्या कर दी गई। खुलेआम ये धमकी दी गई कि बीजेपी का साथ दोगे तो यही होगा। ये किस तरह का राज चला रही हैं आप दीदी? अभी कल रात ही 24 उत्तर परगना में कई जगहों पर बमबाजी हुई है, बम फेंके गए हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है। ये स्थिति ठीक नहीं है, ये बदले की, ये हिंसा, ये अत्याचार, ये माफिया राज और नहीं चलेगा।